अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जिसे माजून मुमसिक कहते हैं। यह माजून कमज़ोर अफराद के लिए एक इंतहाई नायाब तोहफा है। हर किस्म की बेइतदालियों के ज़माने की कमज़ोरियों को रफ़ा करता है। कसरत जमा के नतीजे में होने वाली नामर्दी का कामयाब इलाज है। खून और मादा तोलीद की पैदाश को बढ़ाता है। कुत बाकी मुजरब है तो नुस्खा लिख लें। मुसली सफ़ेद, होलनजान, असगंध, सालम मिसरी हर एक 50 ग्राम, मगज़ पंबा दाना 40 ग्राम, अकरकरा, तुकम कूंच, गूंद कीकर बरिया यानी कि भुना हुआ, शिकाकल मिसरी, सतावड, ताल मखाना, सालपंजा, तुकम उटंगन, गोखरू खुर्द, फिलफिल स्याह, जंजबील, अलाशी खुर्द, ये तमाम 20-20 ग्राम, जबकि ज़ाफ़रान कश्मीरी 5 ग्राम और खालिस शहद इन सब चीज़ों का 3 गुना हो। तमाम अदवियात को बारीक पीस लें, जबकि ज़ाफ़रान अरब के केवड़ा में खल करके इसमें शामिल करें और आखिर में शहद मिलाकर खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। माजून मुमसिक तैयार है। 10 ग्राम सुबह शाम निहार मुँह नीम गर्म दूध के साथ सिर्फ एक माह इस्तेमाल करें और उसके ज़बरदस्त फ़ायदे मुलाहजा करें। आम जिस्मानी और असाबी और मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म कर देगा, जबकि इंतशार तनाव सख्ती बेमिसाल पैदा करता है। सूरत इंसान में मुकम्मल फ़ायदा करता है। शुगर की वजह से होने वाली पट्ठों की कमज़ोरी और कुव्वते बा की कमी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ जिस्म से सुस्ती, नकाहत और थकावट को दूर कर देता है। इसके इस्तेमाल से आसाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, जबकि जिस्मानी ताकत एक लंबे अरसे तक बरकरार रहेगी और जिस्म में लर्जा यानी कि राशा कभी नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। घुटने, जोड़, पट्ठे, दिलो दिमाग ताकतवर हो जाएंगे, जबकि गलत कार्यों की वजह से तमाम पैदाशुदा नकाइस और कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। अज़ाए रईसा व शरीफा के तमाम अफाल दुरुस्त हो जाते हैं। नुस्खा खुद बनाएं और दूसरों को बताएं। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।